सजनी शिंदे का वायरल वीडियो ऐसी एक मूवी आई है थिएटर्स में, तो चलो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इस फिल्म में एक सीन है जहां पर एक टीचर का वायरल वीडियो चलाया जाता है और वहीं रखी एक सरस्वती माँ की मूर्ति को ढक दिया जाता है, जबकि भगवान तो सब कुछ देख सकते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताया यही पूरी फिल्म का सार है। जमाना जो है वो सोशल मीडिया का है और उस कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। लोग व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं, मजे लेकर देखते भी है, लेकिन वो वीडियो किसी की जिंदगी को नर्क बना सकता है और कहीं ना कहीं उसे जान लेने पर मजबूर भी कर सकता है। आज के जमाने से रिलेट करती हुई ये फिल्म बहुत ही शानदार है। कई जबरदस्त मैसेजेस हम लोगों को इस फिल्म में देखने को मिलता है, लेकिन दिक्कत ये है ना मेरे दोस्त कि ऐसी अच्छी फिल्म जो है वो ट्विटर पर ही ट्रेंड करते रह जाती है और ऐसी अच्छी फिल्म्स ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती। तो अगर आप लोग मुझसे इस फिल्म की कहानी पूछे तो यहाँ पर एक सज्जी नाम की टीचर होती है जो कि एक महाराष्ट्रन परिवार से है। आईटी कंपनी में काम करने वाले एक लड़के से उसकी शादी होने वाली होती है, यानी कि एकदम सीधी सादी और सिंपल जिंदगी। वो एक स्कूल ट्रिप पर जाती है और वो नशे में कुछ लड़कों के साथ डांस करती है, उसका एक वीडियो बन जाता है और वो वायरल हो जाता है। और इसके बाद तो भाई साहब इस वीडियो पर हंगामा मच जाता है और ऑब्वियस बात है कि अगर हल्ला मचा है तो यहाँ पर सज्जनी जो है वो गायब हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सजनी ने सुसाइड कर लिया है, कहाँ है सजनी और क्या ये किसी की साजिश हो सकती है, कैसे एक वायरल वीडियो उसकी जिंदगी बदल देता है, यही इस फिल्म की कहानी है और उसे बहुत ही दिलचस्प तरीके से इस फिल्म में हम लोगों को दिखाया गया है। अगर आप लोग मुझसे पूछे कि कैसी है ये फिल्म, तो बहुत लोगों ने, आप में से किसी लोगों ने ये फिल्म का नाम सुना भी नहीं होगा, क्योंकि इस फिल्म में कोई बड़े हीरो या फिर कोई हीरोइन नहीं है। और शायद कहीं ना कहीं यही इस फिल्म की खूबी भी है, क्योंकि इस फिल्म में तीन हीरोइन है जो इस फिल्म की जान है। ये फिल्म तेजी से आगे बढ़ती है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में बहुत टाइम नहीं लगाया गया है और जल्दी ये फिल्म जो है वो मुद्दे पर आ जाती है। आगे क्या होने वाला है इस चीज की आप लोगों में दिलचस्पी रहती है। ये फिल्म साथ साथ कई मैसेजेस भी हम लोगों को देकर जाती है। फिल्म का एक डायलॉग है जो कि मुझे बहुत पसंद आया है और इसमें ये है कि औरत कोई आधार कार्ड नहीं है जो आप लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, और यही बात इस फिल्म के जरिए बताने की कोशिश की गई है। और एक चीज यहाँ पर इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है कि औरत के साथ किसी भी तरह का सुलूक नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पर राधिका मदन ने यहाँ पर सजनी का किरदार निभाया हुआ है और उन्होंने इस फिल्म में अपना बेस्ट दिया हुआ है। उनकी एक्टिंग एकदम कमाल की है, वो सजनी के साथ जोड़ लेती है पूरा अपने आप को और आप सजनी के दर्द में उसके साथ हो लेते हैं। निमृत कौर ने यहाँ पर जांच अधिकारी की भूमिका निभाई हुई है और उनकी एक्टिंग भी यहाँ पर एकदम काफी अच्छी है और उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया हुआ है इस फिल्म में। वो इस फिल्म में ह्यूमर भी लाती है लेकिन अपने अंदाज में। भाग्यश्री ने भी यहाँ पर एकदम कमाल का काम किया है और उनकी एक्टिंग से आप लोग बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है निखिल मुसाले ने। फिल्म में उनकी पकड़ साफ दिखती है, किससे क्या करवाना है, किसको कितना स्क्रीन प्रेजेंस देना है और कितना स्क्रीन टाइम देना है, कहानी को कैसे आगे बढ़ाना है, हर चीज निखिल ने बहुत ही अच्छी तरीके से तय रखी है इस फिल्म में और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। ओवरऑल इस फिल्म को मैं देना चाहूंगा 5 में से 3.5 स्टार। तो चलो यह रही था मेरा आज का रिव्यू सजनी शिंदे का वायरल वीडियो मूवी के ऊपर जो कि अभी थिएटर्स में है। ये जो मूवी है इसका इंतजार अगर आप लोग ओटीटी पर भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, लेकिन हाँ यार ये फिल्म आप लोग एक बार देखना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।